आज की हैप्पीनेस स्टोरी। सीता और रमन बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब सीता को एक दिन बहुत जोर की लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए नान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू। दे किचन से तो बस पिज़्ज़ा लाई थी खाने में मीठी सेवइयां, और रमन लाया था आलू पूरी। तो दोनों ने जल्दी जल्दी अपना लंच निकाला और खाने बैठे। तो जैसे ही रमन ने पानी की बोतल निकाली और उसे खोलने लगा, तो फिजा ने रमन से मांगी अपनी पानी की बोतल। तो बस जैसे ही रमन उसको पानी की बोतल देने लगा, तो क्या हुआ, रमन के हाथ से पानी की बोतल गिर गई और रमन से जो पानी गिरा वो जाकर गिरा मीठी सेवइयां में। और रमन बहुत उदास हो गया और वो सोचने लगा कि मेरी वजह से पिज़्ज़ा का खाना खराब हो गया, अब वो क्या खाएगी, वैसी उसको बहुत भूख लगी है। तो बस अब जैसे ही फिज़ा रमन को कुछ कहती, तो उसने देखा कि रमन तो बहुत उदास हो गया है। तो बस क्या था, अब रमन तो बैठे बैठे सोच रहा है कि उससे तो पानी गिर गया, अब मैं क्या करूँगा। तो बस अब फिज़ा ने रमन को कहा, अरे रमन, तुम दुखी क्यों होते हो, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना पानी गिराया, वो तो गलती से गिर गया और वो तो किसी से भी हो सकती है, तो तुम उदास मत हो, हम दोनों बैठकर तुम्हारी आलू पूरी खाएंगे, चल चल जल्दी निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो बस अब रमन ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने अपना टिफिन खोला और जल्दी से उसे बीच में रखा और दोनों जल्दी जल्दी से आलू पूरी खाने लगे और खाना खत्म किया। और बस अब दोनों खाना खाकर दोनों बहुत खुश थे। तो आपको क्या लगता है कि फिजा ने बिल्कुल सही किया, क्या उसे ऐसा ही करना चाहिए था, या फिर वो सोचती, अरे रमन ने तो मेरा सारा खाना खिला दिया, रमन तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं भूखी रहूंगी, मैम को तुम्हें शिकायत लगाऊंगी, अब मैं मैम को बोलूंगी तुमने मेरा खाना गिरा दिया। या फिर अगर आप होते तो आप क्या करते हैं?